अस्सलाम वालेकुम। तो आज सबको, आप लोग को ईद मिलादुन नबी सबको बहुत बहुत मुबारक हो हमारे तरफ से, और मेरे ब्लॉग में आप सबका प्यार और इस्तफार है। और आज हम लोग बना रहे हैं खीर और पूरी। तो अब मेरी खीर की तैयारी कर ली, देखो दूध मेरा पक रहा है माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं। मैंने ब्लॉग अभी स्टार्ट करी, पहले नहाई वहाई सब अपना नाश्ता वाश्ता कर ली, दवा टैबलेट खा ली, उसके बाद मैं पकाने खड़े हुई हूँ। और ये देखो मेरा पिस्ता इधर रेडी है, फिक्का मावा रेडी है, काजू, मैं खीर में खाली काजू और पिस्ता ही डालती हूँ, चारोली में रखी शक्कर इधर रखी है, और शक्कर लगी तो मैं भरनी में से ले लूँगी, भरनी भर के रखती हूँ। और ये देखो ये मेरा बासमती चावल का मैटर पूरा तैयार हो चुका है खीर में डालने के लिए, और माशाल्लाह से हमारी खीर बन रही है अभी। और फिर इसके साथ में हम पूरी बनाएंगे, और खाने में मैं आज कीमा ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह से किचन में हूँ तो मैं एकदम थक गई थी, क्या इतना सुबह से मुझे किचन में खड़े रहने होता नहीं है, तो मैं कीमा बनाऊंगी। और समीर और अयान गए मेरे लिए कुछ लाने के लिए, तो मैं आप लोग को बताती हूँ आने के बाद। दोनों बाप बेटे कुछ लाने गए मेरे लिए, और हम लोग ने नाज शरीफ भी लगाए माशाल्लाह से, और सैदापा का भी काम जब चालू है, दो रूम साफ हो चुके हैं, दो बेडरूम, अभी सैदापा हॉल में आएंगे। और काम तब को पता है कि आज के टाइम कितना रहता है, जितना काम कम करो ज़्यादा करो उतना कम रहता है। तो ये मेरा दूध मस्त पक रहा है, इसलिए मैं चावल डालूंगी और अच्छा पकाऊंगी, और फिर उसके बाद में फिर ये सब ड्राई फ्रूट इसमें डालूंगी करके खीर बनाएंगे। तो ऐसे चावल दाल डाल के ऐसा हिलाते बिना चाहिए, नहीं तो बच्चे बन जाते खीर के अंदर। हाँ तो देखो मेरी बहन आई, मेरी बहन की तरफ से खीर पूरी सब आ गई, हमेशा सुखी रखे खुश रखे। मेरी बहन ने पता है ना आपको, हमेशा हम लोग के साथ रखे। अभी मेरी बहन की फातिया हो गई है, मेरी बाकी है। अभी क्या करेंगे आपा की अम्मी, और आपा की खीर तो एक नंबर बनती है। थोड़ा दुकान मेरी चालू रहती है। अरे अभी मैं सोदान के टाइम में कुछ सब मंगाई हूँ मैंने, मतलब कहते घर में बनाने में कुछ अलग ही हो रहा था, नहीं क्या? अभी शाम में चांदनी में जाने के लिए ऑर्डर ऑर्डर सब दी वहाँ। अच्छा, तो फिर मैं बोली थोड़ी खीर भी बना ली थी घर के। और क्या चलो, मैं वही बोली अभी तक रफा की मम्मी की खीर पूरी नहीं आई, मेरे तो लेट हो गया, मतलब मेरी बहन कहाँ है करके, नहीं तो तुम थोड़ा जल्दी आ जाते ना हम। और बताओ ये बहुत चावल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, अच्छा लग रहा है रैफा से ली ना। अच्छा अच्छा, हाँ तो नहीं ली रैफा ने, रैफा करती है मगर उसका फोन बहुत बिजी रहेगा, लाने का रहेगा तो बोलो कलर चॉइस करके, मैं मंगल के दिन जाने वाली हूँ। अच्छा, मेरे को पैसा, हाँ तो तुम बोलो, अभी मेरे को एग्जाम ने नौ नौ ऑर्डर दिया अपनी दोस्तों, तो फिर इसके मैं जा रही ऑर्डर है 10-12, और मैं बॉम्बे भी जा रही ना, आयन के कपड़े उपड़े लाने सब, हाँ तो तुम बोलो, अभी मेरे को एग्जाम ने नौ नौ ऑर्डर दिया अपनी दोस्तों, तो फिर इसके मैं जा रही ऑर्डर है 10-12, और मैं बॉम्बे भी जा रही ना, आयन के कपड़े उपड़े लाने सब, तो फिर मैं उनको उसको बोली हो तो बेचारी बोलती है बेचारी आओ, तो उसके थोड़ा फुर्सत में जाता, मैंने अभी जो भी अगर अगर तुमको चाहिए तो आज ही मतलब बता देना, क्योंकि कल सेल है ना, तो फिर सब निकल जाएगा। हाँ तो हाँ, तो मैंने वो दे दी ऑर्डर 9 का, 10-10 का दी, और फिर एक जल्द अरे बाप रे मेरे को एक 6 का भी दे देगा, और फ्रॉक नहीं डाली बाद में, हाँ फ्रॉक डाली ना इसके बाद में फ्रॉक डाली, तो अल्लाह देखो अभी ध्यान है 6 फ्रॉक का। कौन सा एक आया ना प्लाजो के साथ में से, वो उसका नहीं है ना, रैफा का नहीं है ना, ब्लैक आया, व्हाइट आया, हाँ हाँ हाँ, हुरकू भी आया, हाँ वो दूसरे का है, और वो भी चाहिए तो बोलना इस रफा के साइज का भी करके, वो उसका अनाप को आया परसों, मेरे को पहले आया था कांच वाला, नहीं मैंने ब्लैक पहनी थी बीच में, हाँ ये रफा के मेरे को 15-18 जोड़े के ऑर्डर आए, मतलब फोन नहीं उठा दी ना तो लोग मेरे अपने दोस्त तो अपने को बोलेंगे ना, क्योंकि मैंने उसको कही गई मैं
अभी मैंने इसमें शक्कर डाल दी खीर में और चावल डाल के अच्छा मस्त पक गया है। देखो आप लोग खीर का कलर भी देख सकते हैं। और भी इसको पकाना है मुझे अभी। अभी मैं इसमें फिक्का मावा डाल के इसको 15-20 मिनट इतना वो करूंगी, मैल्ट करूंगी, क्योंकि फिर इसमें भी गट्टे गट्टे रहते हैं ना। हाँ देखो अभी मावा भी डाल दी मैंने इसके अंदर। और अभी इसको छीक की तरह है, मेरे पास में टैबलेट है, खा ले छीक की। कौन फाइबर वाले कहीं क्या है समीर? अच्छा अच्छा ये देखो खीर अपनी मस्त बन रही है। खीर बनाने बहुत टाइम जाता है क्योंकि इसको बहुत जरा भी लगना नहीं चाहिए कुछ सिलो के ऊपर, फिर वो जल जाती और जरा भी लग गई तो मतलब खीर पूरी खराब। इसका खीर का पूरा ये हो जाता। अस्सलाम वालेकुम। तो देखो खीर अपनी मस्त, ये देखो क्या पक रही है, मस्त उबाल आ चुका है, खीर का कलर भी एकदम चेंज हो चुका है, इसके अंदर मावा शक्कर सब मेल्ट हो चुका है, चावल भी आप देख सकते हो पूरा मैंने मेल्ट कर दी, ये देखो आप देख सकते हो। और बहुत ज्यादा पकाई मैंने, 1.5 घंटा इतनी खीर को बनाई हूँ पकाई हूँ, और अभी मैं इसमें छोड़ रही हूँ अपने काजू, और खीर में ज्यादा करके काजू अच्छा लगता है, बाकी और कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा और पकेगी तो इसमें मैं डालूंगी ये पिस्ता। पूरी जो रेडीमेड निकली है मैंने वो मंगाई हूँ, और ये बहुत दूर से मंगाई हूँ, ये तो परी लेके आती है दमन से, मगर मेरा जवाई इमरान ने, भाई ने मेरे लाके दिया है, तो मेरे संगम का जवाई है, उन्होंने कल लाके दिए पूरी। मैंने इतने डालने के बाद में इसमें डालती जगह नहीं है ना, तो ये हमारी देखो माशाल्लाह पूरी हो रही है। पूरी करने में मुझे बहुत डर लगता है कि हाथ के तेल भी लगा नहीं जाए। और इतनी देखो तल चुकी हूँ, दूसरा वाला निकाले पूरी रखने के लिए। माशाल्लाह पूरी ना मस्त फूल रही है, रेडीमेड भी है मगर अच्छी है, फूल रही है सबसे अच्छी बात है, फूलती है तो मजा नहीं आता था। देखो छोले भटूरे की जैसी फूल रही है ना। तो आप लोग जरूर लाइक करना और फॉलो करना और सब्सक्राइब करना, घंटी का बटन जरूर दबाना, घंटे का बटन मत दबाना का बटन। और मैं बहुत अपने हाथ को संभाल के पका रही हूँ क्योंकि मुझे गिरी 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 तो फाइनली हमारी खीर पूरी बन चुकी है, पूरा फाइनल हो चुका है। देखो माशाल्लाह खीर भी अपनी रेडी एकदम हो चुकी है, और पूरी भी एकदम मस्त दो बर्तन भर के पूरी बना दी मैंने, ये देख सकते आप लोग मेरी पूरी भी एकदम मस्त रेडी हो चुकी है। अभी जो हमारा खाने का है अभी वो बनाऊंगी, ये सब मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ अभी,
फिर किचन विचन सब साफ होगा। तो अभी मैं तेल गर्म हो चुका है, मैं छोड़ रही कांदा, कांदा भी पर हो रहा है। और मैं बना रही हूँ कीमा, कीमे में मैं डाली हूँ इसके अंदर हरा मसाला, हरे मसाले में मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा और थोड़ी से कोथमीर पीस लूंगी। और इसके अंदर फिर मैंने डाली हूँ अपने घर का बना हुआ मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, और मैंने नागपुर से जो ब्लैक मसाला फेमस है नागपुर का वो वाला मसाला डाली हूँ, और टमाटर। ओके, तो आप लोग मेरा मसाला देख सकते हो। और पीने के लिए मैं इधर ये कर रही हूँ, एक आलू में डालूंगी, क्या आलू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं एक आलू डालूंगी इसके अंदर, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि कोई आलू खाता नहीं है। और देखो अपना अंदर भी बस लाल हो रहा है, इतना किचन विचन में साफ करके ले लेंगे, बना के हो जाएगा तो सब खाली हो जाएंगे। और जब हमारे कांच के बर्तन धुल चुके हैं, कांच के बर्तन पहला पहला पैसा धुल के एक कप में पूरे कांच के बर्तन आते हैं हम लोग के, फिर एक में पूरे जो अपने दूसरे बर्तन है वो, क्योंकि कांच के बर्तन खराब हो जाते हैं ना, तो अलग से धुल के उसके बाद देखो कांदा मस्त माशाला लाल हो चुका है, तो देख सकते हैं आप लोग। अभी मैं मसाला इसमें डाल रही हूँ, ओहो नागपुर का जो मसाला है ना उसकी खुशबू ही ना अलग है। देखो फेमस बोले तो ब्लैक मसाला एक नंबर है, और उसमें उसमें से फिर सोने के सुहागन मेरा घर का इतना हो रहा है कि खाना खाने मन नहीं होता, सिर्फ लगता है जूस पियो और पानी पियो, इससे पेट भर जाएगा। ये गर्मी पड़ रही है, बाप रे बाप, एक गिलास जूस पी बर्फ डाल के, खाना खाने मन नहीं होता, सिर्फ लगता है जूस पियो और पानी पियो, इससे पेट भर जाएगा। ये गर्मी पड़ रही है, बाप रे बाप, मेरे एक गिलास जूस पी बर्फ डाल के खाना के, मुझे बर्फ नहीं पीना चाहिए तो मेरे जल्दी में जल्दी खराश इन्फेक्शन हो जाता है। अभी क्या करेगा, दीदी नहीं मानता, इतनी गर्मी हो रही है, एक साल से ठंडा पानी पीना छोड़ दी। एक बार इतना सिर्फ सादा पानी पीती हूँ, एक टाइम था मैं इतना अच्छा बर्फ डाल के पीती थी, मगर मैंने बंद कर दी क्योंकि बोले बर्फ नुकसान देता है ज्यादा करके, तो मगर अब दिन नहीं मान रहा, इतना गर्म हो रहा है तो मुझे फ्रिज का पानी पीना पड़ रहा है, कभी कभी मैं बर्फ डाल के पी रही हूँ यहाँ। इससे फिर बाद में सीटी कुकर की लगा दूंगी, और कीमा मैं मोटा मोटा कराती हूँ, बारीक कीमा मुझे पसंद नहीं है, मोटा मोटा कीमा, दांत को भी गोश्त लगना चाहिए ना, मटन नहीं लगेगा तो कैसा चलेगा, नहीं चलेगा बिल्कुल। और उसके एंड में मैं नींबू डालूंगी, क्योंकि मैं पहले से नहीं डालूँ तो अपने आलू और ये थोड़ा टाइट हो जाता है, खटास वाली चीज बाद में डालूंगा। मेरा सब हो गया है, अभी सीधा को मैं दे देती हूँ, सब हो चुका है, इतना बर्तन सदा का लाज दे देंगे। अलग ही फ्रिज में खोआ रख देना, इसे भी बनाऊंगी मैं कल या परसों। और पिस्ता भी रख देना, और एक पूरी फ्रीजर में, ये दोनों फ्रीजर में रखना। इसका भी रख दीजिए, दोनों में गाड़ी और दूध भी लेके आ, चल दूध भी गर्म कर देंगे, रात को दूध भी गर्म नहीं हुआ, ये हमारा दूध का तपेला, हम लोग चमन से दूध गर्म करते हैं, मेरे दो ऐसे तपेले मेरे दूध के रखते हैं,
मुझे ब्लैक वाले कोफ्ते पसंद नहीं है, जर्मन में मलाई भी अच्छी जमती है। जाने वाली उसने मैंने कुछ बर्तन तक निकाली भी नहीं हूँ जो मैंने लेके आई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन की कोई कमी नहीं अपने को, क्या यूट्यूब चैनल के लिए बर्तन खरीदना पड़ेगा या कुछ करके। तो माशाल्लाह से बहुत सारे बर्तन है, नैपकिन सब मैंने घने में डाल दिए है, और अभी मैं ये चावल भी इसमें खाली कर दूँ, सेदा का बर्तन को एक के साथ में, सेदा का भी आज जल्दी जाने का है, काम कुछ रहेगा तो किचन साफ हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर चावल भी डाल दूंगा, ये रात के चावल देखो मैंने मस्त किया दम करेंगे, ये अनाज फेंकने का नहीं, अल्लाह पाक कौन से दाने में अपना इज्जत का लिखा हुआ रहता है, रोजी का बरकत का नहीं पता है। तो हम लोग तो भाई रात का खाना फेंकते नहीं है, गर्म करके हम लोग सुबह खाते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि हर टाइम ताज़ा ही चाहिए। और अभी ये देखो मैंने बाउल में दाल दी पूरा राइस, गरम गरम भी लगता है, गर्मी हो गई तो बेल बजी है, कोई आया है तो मैंने हमें खुद पानी लाने के लिए भेजी, उस ड्राम में बांटने के लिए पानी बिस्लेरी का बॉटल सा, और हमें गए पानी लाने के लिए, और नान के टाइप का फूल उधर रेडी हो चुकी है, तो बर्तन का पानी में भिगा दूँ, और इसके साथ में मुझे बहुत प्यार से किसी ने गिफ्ट किया था, फिर ठाकुर तो मैं कुछ कर नहीं सकती, रोज देख पानी डालती हूँ यादों में, फिर चलो उनको तो याद नहीं है, अपने को याद है किसी का कुछ गिफ्ट दिएगा, तो हम रोज पानी डाल के धोते हैं, और फिर घर का खरा देते हैं। आपको पता है मुझे प्लान ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद है इसीलिए, और अभी खाना खाएंगे बाद में, फिर आपको मैं बात की अपडेट दूंगी। अब मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ किचन में खड़े खड़े, मैं थोड़ा अभी जाके हवा में बैठूंगी, और फिर उसके बाद मेरे एक पेट से मुझे पड़ा है, ऐसा ना करने से रखते ना तुम लोग, खाते ना करते, और मैं तो ये देखो हम लोग ला के रखते घर में, फिर उनकी फैमिली की वो जरूरत पड़ती है, हर चीज ला के रखना बहुत जरूरी है। मौलाना आ गए अभी अपने फासला चालू है, मौलाना फातिहा ले रहे हैं। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم